काहे नहीं बेटा, आएगा मम्मी, जरूर आएगा। मंदिर आए हो तो दर्शन भी कर लो छोटे चौधरी जी। अबे अबे बता इसको, एग्जाम से पहले पूरे एक हफ्ते तक पूजा की थी इनकी, फेल करवा दिया। तो यहाँ क्यों आयो? मैं दादाजी का छोटा जासूस हूँ। जब भी घर की औरतें घर से बाहर जाती है, मैं उन पे नजर रखता हूँ, कहीं दुश्मनों से तो नहीं मिल रही। मामी जाओ। बस बेटा बस, कुछ रो। होय 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 होय, कोई तो रोक लो, रो रही हो? रोना तो आएगा ही, है देवरानी जेठानी, लेकिन सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार है इनमें। एक ही शहर में रहने के बाद भी बरसों बाद मिले हैं हम, इन मर्दों की दुश्मनी में पैसा मोड़ते रही हैं, पता नहीं कब खत्म होगी इनकी ये जंग। जैसे मामी मिलाप कराया, वैसे ही मामा मिलाप करा दूंगा। अगर इस खानदान को मैंने हम आपके कौन के परिवार में नहीं बदला, तो मेरा भी नाम प्रेम नहीं। संजना अच्छा, पूजा पाठ के बहाने दुश्मनों से दोस्ती हो रही है? बेटा ये दुश्मन नहीं, ये तुम्हारी बड़ी दादी है। नहीं बेटा अमर, ऊंचे हाथ मत लगा बुढ़िया। कमीने, एक लफ्ज भी और कहा ना तूने तो मिट्टी का तेल पिलाऊंगी और मुंह के सामने माचिस जला दूंगी। निकल यहाँ से। इसे माफ कर दीजिए जीजी, इसके दादाजी ने इसे बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है, पता नहीं कब सुधरेगा। हंस क्यों रहे हो? सुधर तो जाएगा, लेकिन जिस तरह सुधरेगा वो सोच के हमें हंसी आ रही है। छोटे चौधरी साहब, बात बंद हो गया। अरे वो पब्लिक के लिए, हमारे लिए नहीं। मैनेजर को जाके बोलो अमर चौधरी आए हैं, पार्क अभी खुला रहेगा। जी सर। जी सर। इधर आप पीले जानवर, हंसा हमको। देखो पार्क बंद होने का टाइम हो गया, हमें घर जाना है। अबे अमर चौधरी को मना करता है तू? इधर आ। तेरी ये मदद साले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे भागता क्या है, रोक। बैडमैन? तुझ जैसे बैड बॉय को गुड बॉय बनाने के लिए आया हूँ। अबे एक लात दूंगा ना, बैडमैन से डेडमैन बन जाएगा। मार मार लात मार। आज से तू गुड बॉय बनेगा। बन गया। स्कूल से गुल नहीं होगा, टीचर की क्लास नहीं लेगा, बड़ों का आदर करेगा और ये चुटिया भी काट देगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे खानदान की पहचान है। अब बाल काटे जा रहे हैं, खतना नहीं किया जा रहा। थका दिया बच्चे ने,
पहले समझाओ बात, नहीं समझ में आया तो दो खींच के लात। वाह बल्ली वाह, तेरा भांजा तो लाखों में एक निकला। अमर चौधरी, सर पे कपड़ा क्यों बांध रखा है? नया फैशन है दद्दू। अच्छा अच्छा फैशन, इधर आ मेरे शेर और इस लोमड़ी के सर पे पंजा तो मार। आजा। प्रणाम बल्ली अंकल। ये क्या कर रहा है? वो बड़ों का आदर ग्रैंडफादर, बैटमैन ने यही सिखाया है। कौन बैटमैन? वो हम हमारे नए टीचर है दद्दू। टीचर? दादाजी, इसका ये जो नया टीचर है ना, प्रेमी है। अब ऐसा लग रहा है बेटी कि ये मेरे दो कमीनों को भी लाइन पर ले ही आएगा। हेलो हेलो, छोटे मामा जी, बड़े मामा फिर से मेरी शादी वीर से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? हाँ मामा जी, लेकिन मैं आपके युवराज से ही शादी करना चाहती हूँ। युवराज से? प्लीज मामा जी कुछ कीजिए ना, प्लीज जल्दी से मुझे यहाँ से लेके जाइए। कोई आ रहा है? चलो गाड़ियाँ निकालो, अपनी बंदूकें भर लो, चाहे लाशें भी चाहे किसी भी कीमत पर युवराज हमें शाम तक। गलत कर रहे चौधरी साहब। मामा जी बताओ ना। गलत कर रहे हैं जी, 200 करोड़ के लिए अपने भाई का खून बहाने जा रहे हैं, जबकि 500 करोड़ की पार्टी तो मामा जी की जेब में पड़ी। कौन सी 500 करोड़ की पार्टी भाई? अरे मामा जी वही ना, के मोदी। हाँ वो के मोदी के भाई अमेरिका वाले। बता दो कितने करोड़ की आसामी है? 5-7 हजार करोड़ की आसामी है। और ये सुनिए, उनकी बेटी नैना की शादी की जिम्मेदारी किसके हाथों सौंपी गई है? मामा जी के। मामा जी आपको ये हीरा जैसा लड़का नहीं देगा, जबकि नैना की तमन्ना है कि उसको हीरा मिल जाए। सच लवली पीपल्स, रोमांटिक मिजाज के, अपने भाइयों का खून करने जा रहे लोग। मामा जी अगर मैं नहीं सोचता तो आज खून के गटर बह जाते। अबे तो सोचता क्यों नहीं है पहले? नहीं भाई वो आइडिया मेरे दिमाग में ऑन द वे ही था, लेकिन ट्रैफिक की वजह। एक बात अपने दिमाग में डाल ले बल्ली, अगर ये रिश्ता हमारे पास नहीं आया तो समझ ले तू नर्कवासी हो गया। टैक्सी पकड़ और चल निकल यहां से। वो के मोदी का नाम तो मैंने ऐसे ही ले लिया था, तूने उसमें उसकी बेटी डाली, उसकी शादी की जिम्मेदारी डाली, ऐसा सब मिर्च मसाला डाल दिया। सर ये सब बातें आप ही ने ड्रिंक्स के बाद बताई थी मुझे। जो लोग इस दुनिया में है ही नहीं उनके बारे में मैंने बताया था तुझे। है सर। अरे सुनिए, सुबह से किसी के मोदी का फोन 5 बार आ चुका है। उन्होंने कहा है आपको रिमाइंड कराने के लिए कि वो अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में इस फ्राइडे इंडिया आ रहे हैं, और हाँ किसी रिसोर्ट को बुक करने को कहा है, भूलिएगा मत। ये ऐसा कैसे हो सकता? ओहो सर, इसका मतलब कि आप में MP या UP आ गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। MP मतलब मेमोरी पावर। इस बीमारी में सर मेमोरी की बैटरी डाउन हो जाती है, या तो फिर UP अनबिलीवेबल पावर। अनबिलीवेबल जी power. सर इसमें जो आप कैरेक्टर सोचते हैं वो रियल लाइफ में आ जाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस, इसलिए तो इसे अनबिलीवेबल पावर कहते हैं। अभी आपकी इफेक्टिव सोच या डिफेक्टिव बीमारी ये आपको खुद तय करना पड़ेगा। फिलहाल सर आपने मुझे घर से निकाल दिया। जयराम जी की टैक्सी। अरे नहीं प्रेम यार, वो तो मैंने ऐसे टेंशन में बग दिया था, प्लीज। अच्छा ऐसे कंफ्यूजन में छोड़ के मुझे मत जा। ओके सर, आगे बता मैं क्या करूं? इसका कोई चारा या कोई रिसोर्ट नहीं है। हाँ लास्ट रिसोर्ट ये है कि आप रिसोर्ट बुक कर लो। आ गया क्या लेमो? जी मोदी के गोदी में बैठ जाओ। आओ आओ, अरे दोस्त को गले मिलो। एकदम फिट लग रहे हो तुम, लगता है शकुंतल भाभी के उसका नतीजा है, प्यार का। कैसी है शकु भाभी? सर आपको आने में वो तो नहीं हुई ना सर? तकलीफ? नहीं नहीं नहीं, अपनी औलाद के लिए थोड़ी बहुत उठानी पड़ती है, वो तकलीफ। चलो मोदी साहब, क्या तरीका चंदा मांगने का? मोदी साहब ये चौधरी साहब है, शेर के बहुत बड़े हमारे काम करता। अच्छा बल्ली के पहचान के मतलब ये हमारे वो हो गए मेहमान मेहमान
इनको भी रात को बुला लो ड्रिंक डिनर 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 इस पे भी चलो चलो। ऐसे मुंह खोल के क्या देख रहा है? पहली बार देखा है क्या? अरे मोदी साहब को देखकर किसी का भी मुंह खुला रह जाएगा। चौधरी साहब, अगर आप चूहे तो ये बिल्ली है, अगर आप बिल्ली है तो ये कुत्ते, अगर आप कुत्ते हैं तो ये तेंदुआ, अगर आप तेंदुआ है तो ये शेर, अगर आप शेर है तो ये हाथी, अगर हाथी है तो ये डायनासोर है। डायनासोर बिजनेस के आपकी खातिर डिनर पे टाइम पर जरूर आ जाना, वरना आप गधे हैं सर। जा कौन रहा है, हम रात तक यही है। चलो चलो। व्हाट हैपेंड मामा जी? अरे मोदी इतने प्यार से मिले, मुझे गले भी लगाया लेकिन मैं पहचान ही नहीं पाया। ये क्या मेरी बीमारी है कि मेरी सोच है? ये दोनों दोनों एक पर्सनालिटी बीमार है, दूसरी पर्सनालिटी की सोच है। वन इन टू पर्सनालिटी टकराव इन टू इच अदर बिकम थर्ड पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी, जो कि चौथी पर्सनालिटी बनाएगी, वो है सुसाइडल पर्सनालिटी। आपको सुसाइड करने का दिल करेगा मामा जी? सही बात है, मेरा दिल करता है सुसाइड करने को। मामा जी करना मत। क्यों? क्योंकि आप सुसाइड करोगे आपको याद भी नहीं रहेगा मामा जी। तो क्या करूं मैं? मामा जी आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ये मान के चलिए जो आपकी सोच की पर्सनालिटी वो सही पर्सनालिटी है। आप जानते हैं इनको? ये के मोदी है। पहचान गए आप? पहचानना ही पड़ेगा ना, अगर मैं सुसाइड कर लूंगा और याद भी नहीं रहेगा तो फायदा क्या? के मोदी है। मोदी साहब आपके जितने अमीर तो हैं नहीं हम, लेकिन शहर में बहुत इज्जत है हमारी। क्या बात है। जी जी जी, खानदानी लोग हैं और ढेर सारी कार के साथ संस्कार भी हैं। हाँ तो भाई साहब बताइए कितना लोन चाहिए आपको? नहीं नहीं भाभी जी, मैं तो ए बल्ली बताना। मैं क्या बताऊँ अभी? मामा जी अगर आपकी आज्ञा तो मैं बताऊँ। हाँ प्लीज। मोदी साहब ये इनका साला है युवराज, आठवीं पास है। आठवीं? दो उंगली और बढ़ाइए। हाँ आठवीं। आठवीं पास है तो ये रिश्ता ढूंढा आपकी बेटी का। बल्ली भाई साहब ये रिश्ता लेके आए आप? शक्लें देखिए इनकी, ऐसा लगता है सीधे जंगल से आए हैं। और नहीं तो क्या, इन जाहिल गवारों के घर जाएगी इनकी बेटी? मोदियों की? मोदियों की, जिनको ना ये पहनने का ढंग है, कपड़े पहनने का ना, ये करने की तमीज है, बात करने की, ये तो बिल्कुल वो लगते है वो आदिमानव। आदिमानव बलि, तुम मेरे दोस्त होते ना, तुम्हें डाल देता वो गोली। गोली चलो मैं बात सुमित्रा, चलो चलो चलो। सारा मूड खराब कर दिया सब सर लोगों का। साले अरे जाने दो जाने दो। अरे तेरा ही सर उड़ा दूंगा साले। अरे साले बेवकूफ ये नहीं, साले तुम हो। पता है किससे पंगा ले रहे हो तुम? तुम तो सिर्फ अंडे की भुर्जी बना सकते हो। अरे मोदी साहब भुर्जी से अंडा बना सकते हैं। पूरा गेम खराब कर दिया तुमने यार। लेकिन कोई बात नहीं, मामा जी है ना, मामा जी चक्कर चला लेंगे। मैं कौन सा चक्कर? मैं खुद चक्कर में हूँ। अरे क्या बात है बताएगा भी, हम सबको चश्मा क्यों पहना दिया? एक्सक्यूज मी फॉर माय लैंग्वेज दादाजी, लेकिन ये साले मोदी शोदी अपने आप को समझते क्या है? शादी की तीन ऐसी शर्तें रख दी हैं। मैंने उनसे कहा कि ये शर्तें सुनाने के बाद मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। हा? और वो जो सुनेंगे तो आप एक दूसरे से नजरें मिला ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा ये लो चश्मे पहनाओ और शर्तें सुनाओ। अरे सुनाओ सुनाओ क्या शर्तें हैं? बेसिकली मोदी ने चौधरी की जिंदगी का तंबू तीन बंबू पे खड़ा कर दिया। शर्त नंबर वन, उनको आपका ये घटिया पहनावा बिल्कुल पसंद नहीं। क्या कर रहा है? वो कहते हैं कि आप किसी सी ग्रेड फिल्म के विलन लगते हैं। उनकी ये मजाल? ये मामा जी ने ये कहा, आपकी ये मजाल। हाँ, हाँ, हाँ। और 500 करोड़ रुपयों के लिए चौधरी कभी अपना पहनावा चेंज नहीं करेंगे। 500 करोड़? ठीक है अब टू डेट सूट बूट पहन लेंगे। हाँ, हाँ। दूसरी शर्त क्या है? उनकी फैमिली हम आपके हैं कौन टाइप की फैमिली है? वो सब साथ साथ रहते हैं। तो हमारी फैमिली क्या कभी खुशी कभी गम की है? हम सब अलग अलग रहते हैं। उन्होंने आपको कभी आपके बहू बेटियों के साथ बाहर लंच शंच पिकनिक शिकनिक पर कभी नहीं देखा। अरे औरतें हैं, मतलब ये परंपरा हमारे पुरखों से चली आ रही है। मामा जी ने भी यही कहा क्या? कि चौधरी अपनी परंपरा 500 करोड़ के लिए कभी नहीं चेंज करेंगे। 500 करोड़? ठीक है ठीक है। सुनो आज से हम साथ साथ हैं। चलो तीसरी शर्त बताओ। तीसरी शर्त अगर मैंने आपको बता दी तो आपकी पैंट फट जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ उन्होंने कुछ और ही कहा था। शर्त बताओ। चुट्टियां काटनी पड़ेगी। क्या चुट्टियां काटनी पड़ेगी? नहीं। मामा जी भी ऐसी चिल्ला के कहे नहीं। हाँ, हाँ। लेकिन क्या करें, 500 करोड़ का पपलू तो उनके पास है ना। 500 करोड़ काट ले अमर, ये तो घर की खेती है, मगर 500 करोड़ की फसल जिंदगी में बार बार नहीं उगेगी।
क्या बात है, नाउ यू आर लुकिंग वो और वो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। तो ये बताइए भाई साहब, आपने क्या फैसला किया? मैंने क्या क्या बोलते बल्ली, वो कर दूं? हाँ जी कर दीजिए, अब आपने हीरा तराश लिया तो अंगूठी में फिट भी कर दीजिए। तो ठीक है, मैं कल ही अपने बेटी को और वो छोटे उसको बुला लेता हूँ, भाई को। आपके कोई रिश्तेदार भाई वैसे कोई नहीं है ना बड़े भाई? नाम बोलो। सूरज चौधरी। आपके बड़े भाई के होते हुए आप लोग अकेले आ गए रिश्ता तय करने, वो कहाँ है? वो कैसे आएगा, हमारी आपस में बनती नहीं है। जिस घर में भाई भाई की वो नहीं होती, बनती बनती नहीं, वहाँ जाएगी इनकी बेटी मोदियों की। मोदियों की बनती नहीं का मतलब है कि टाइमिंग नहीं बनती, कभी वो बाहर होते हैं तो कभी ये अंदर होते हैं। वैसे दोनों भाइयों में बेशुमार प्रेम है, जैसे कि राम लक्ष्मण। अच्छा 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 अच्छा, तो बुला लीजिए राम को और बना दीजिए वो टाइमिंग। टाइमिंग हा, 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 बस ये समझ लीजिए हमारी वो है, शर्त है। मारो 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 मारो। अरे तुझे क्या जरूरत थी ये कहने की कि मेरा कोई बड़ा भाई भी है? अरे वो है तभी तो मैं बोला ना। अरे कह दिया था कि मर गया। अरे कमाल करते हो, कैसे बोल सकते थे? आज तक आप नहीं मार पाए, हमारे भोले मामा जी उनको कैसे मार सकते? अरे लेकिन अब हम तो मर गए ना, वो सूरज चौधरी कभी नहीं मानेगा हमारी बात। अरे ऊपर वाले ने मामा जी के कंधे के ऊपर सर दिया, थोड़ी डेकोरेशन पीस दिया है, सोचने के लिए दिया, कोई ना कोई चक्कर चलेंगे, आपके भाई को ऐसे कान पकड़े खींच के लेके आएंगे। ए, चुप। सूरज चौधरी को यहाँ आने की बात भी कह रहे हो तो गर्दन काट देगा वो मेरी। और अगर वो यहाँ नहीं आए तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। अरे कहा जा रहे हैं? जगह को मोबाइल ले लो, इन सब के टेलीफोन डिस्कनेक्ट कर दो। कौन तुम लोग जो इस तरह से? इसी तरह से घुसते हैं हम लोग। एंड यू हैव ऑल द राइट टू रिमेन साइलेंट एंड दिस इज अ रेड। साल में 13 बार इनकम टैक्स भरता हूँ फिर भी रेड। सर मिस संजना। हेलो माथुर अंकल। हेलो बेटा, हाउ आर यू? संजना ये इनकम टैक्स वालों को जानती हो तुम? मामी ये इनकम टैक्स वाले नहीं है, वर्ल्ड बैंक वाले हैं। पंजाब बैंक सुना है, इलाहाबाद बैंक सुना है, ये वर्ल्ड बैंक क्या है? जो पंजाब और इलाहाबाद के बाहर होता है ना उसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं। द फादर ऑफ ऑल बैंक्स एंड द मदर ऑफ ऑल बैंक्स। चाचा चाची ऑफ ऑल बैंक्स। लेकिन सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस संजना के फादर ने हमारे बैंक से 200 करोड़ का लोन लिया था। हाँ तो? तो लोन सेटल करने से पहले ही वो भगवान को प्यारे हो गए। हाँ तो? हाँ तो, हाँ तो बहुत कर रहा है, जब सुनेगा तो तोते उड़ जाएंगे। तो अमेरिका में जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो तो हमने सारी जब्त कर ली है। 100 करोड़ वसूल कर लिए हैं और 100 करोड़ वसूल करना अब भी बाकी है। अरे लेकिन यहाँ संजना की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो यहाँ मुझसे शादी करने के लिए आई है। फैंटास्टिक भाई, शादी के बाद पत्नी का प्रॉपर्टी में बराबर का हक होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ बाकी के 100 करोड़ हम आपसे वसूल करेंगे। 50-60 करोड़ का तो बंगला ही होगा। चलो चलो आओ। आशिक साहब मुझे पता था कि आप शादी ये कैंसिल कराओगे, लेकिन अब ये 100 करोड़ का क्या चक्कर है? आज ही सब बता दूं, पता चल जाएगा। जा कर रहा है, यही है ना, पॉलिश कर। बल्ली ये कैसा लॉ है? जैसा कानून वैसा लॉ है। मामा जी आपकी एक हर बार विला मिला के 100 करोड़ हो जाएगा ना? ये तो आप भी नहीं चाहोगे कि मेरे स्वर्गवासी पिताजी पे किसी का कर्जा रहे। सुनो असिस्टेंट। यस मैम। चलो प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक करो। फिर से? नहीं अभी क्या, अभी इससे कुछ काम है मुझे थोड़ा सा, अभी नहीं। चलो तो काम के बाद हम शुरू करते हैं। ओके मैम। कितना काम करेगा, थक जाएगा, सब खड़े हैं यहाँ पे। सूत्रों में लिखा कि जितना काम करो उतना बेटर है मामा जी। ये लड़की तो मुझे सड़क पर लाकर छोड़ेगी। अब समझा, इस लड़की से रिश्ता तोड़कर के मोदी से रिश्ता क्यों जोड़ दिया? उसको मालूम था इस लड़की पर कर्जा है। ए बल्ले, हमारी बजाय तूने के मोदी का रिश्ता अमर के यहाँ करवा दिया। इन्होंने बिगाड़ा है, अब यही बना के देंगे ना। कैसे कैसे बना? बीके मोदी। कौन बीके मोदी? अबे तू नहीं तो बताया था के मोदी का छोटा भाई है। हाँ, के मोदी का छोटा है,
लेकिन उसका क्या? उसके पैसों का। उसके पैसों का क्या? हाँ, आप ही ने तो कहा था कि वो बड़े भाई से पैसों में बड़ा है। हाँ हाँ, वो कहा था मैंने, लेकिन उसका क्या? उसकी बेटी का। बेटी? उसकी बेटी के